पहुंचा पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह का आज अंतिम यात्रा। शिवराज सिंह ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। मैनपुरी पुलिस का सराहनीय कार्य। दरिंदे को किया 2 दिन में गिरफ्तार। हमीरपुर में मां बेटी का शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में दबंगों ने की महिला पर अभद्र टिप्पणी। विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नौरा राजघाट पर किया जाएगा। पूर्व सीएम का अंतिम यात्रा अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से निकाली गई। पूर्व सीएम के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई दिग्गज नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह का इस दुनिया से चले जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ भाजपा ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। देश भर में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचलों और पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। अतरौली में गृह मंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्यागने में उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। भारत की राजनीति में दृढ़ता, पारदर्शिता, आदर्श और मूल्य की प्राकृतिक। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव देह और की उनकी कर्मभूमि अलीगढ़ से जन्मभूमि उनके पैतृक गांव अतरौली लाया गया, जहां गांव में लोग अपने जनप्रिय नेता का अंतिम दर्शन किए। कल्याण सिंह की पार्थिव देह की अंत्येष्टि आज बुलंदशहर के नरौरा में गांव नदी के तट पर की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने के लिए अतरौली पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह की कर्मभूमि अतरौली पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदा में अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ताज नगरी आगरा के थानाबाह में दबंगों का कहर देखने को मिला। घर में कूदकर घुसने का दबंगों को रोकने के युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि दबंगों ने पीड़ित युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक को बचाने आई मां के साथ भी दबंगों ने जमकर मारपीट की। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जांच में जुट गई। पकड़ जाने डालो बे, सब लोग आए गए बिन्ने डाल के साकर हम तो कुल्हाड़ी से मारो। मेरे जी साकर दही बीच बीच आए मैं जाकर देख दे मेरे लोग रखो बे लोग ना के धुकाए पाए। ताज नगरी आगरा के थाना बाह के कस्बा जरारा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। महिला पर दबंगों ने अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद उनके भतीजों द्वारा विरोध करने पर दबंगों ने भतीजों की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट में कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से गायब युवक का शव तालाब में मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि 2 दिन पहले घर आते समय युवक गायब हो गया था। पत्नी ने बताया कि कुछ लोगों से 2 दिन पहले मृतक का विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के जलाला गांव में मां और 16 महीने की मासूम बेटी के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घर में फांसी के फंदे से मां और बेटी का शव मिला। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को लेकर गांव के लोगों सहित मायके वालों का कहना है कि महिला के पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी को मौत की घाट उतारा है, जबकि पुलिस का कहना है कि महिला का पति शराब पीकर घर में कलह करता था, जिसके चलते महिला ने अपनी बेटी को फांसी लगाई और फिर खुद फांसी के फंदे से झूल गई। हालांकि पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुरारा के जल्ला नामक गांव में एक नवविवाहिता की उसने अपने पति के उत्पीड़न से त्रस्त होकर के आत्महत्या कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि रक्षाबंधन का दिन है और वो शराब पी करके आए, तो उसकी मां ने पहले विरोध किया कि आज के दिन क्यों तुम दारू पी हो, तो पहले उसने अपनी मां को एक थप्पड़ मारा, उसकी आंख पे चोट आई है। उसके बाद से पत्नी डर करके अंदर से कमरा बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब कमरा नहीं खुला तो लोगों ने तोड़ के देखा तो माँ और उसकी एक बरसी बेटी फंदे पर लटकी हुई थी। परिवारिक जनों द्वारा इनका कमरा तोड़कर उसको बाहर निकाला गया। लेकिन जनपद मैनपुरी के थाना बेवस में क्षेत्र के 18 अगस्त को घर से शौच के लिए निकली 8 और 5 साल की दो मासूम बहनों को एक अज्ञात व्यक्ति ने अगवा कर लिया था और उसने 8 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। वहीं इस सनसनीखेज वारदात के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस पूरी घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें पुलिस ने घटना की गहनता से जांच की तो सीसीटीवी कैमरों में की सहायता से पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे तक पहुंच गई है। बता दें कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अशोक कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। एक सनसनीखेज मामला पिछले 2 दिन पहले प्रकाश में आया था, जिसमें 2 बच्चियां जो कि इतने घुमंतु जाति की हैं और ये मॉर्निंग में शौच के लिए जा रही थी, एक 8 साल की थी, दूसरी उसकी छोटी बहन 5 साल की, तो बच्चियों को देख करके ये अभियुक्त मोनू जो है इसने समोसा खिला करके और अपने को रिलेटिव बताते हुए, उसकी माँ का रिलेटिव बताते हुए उसको बाला फुसला करके कस्बे से बाहर ले गया और बड़ी बच्ची के साथ इसने जघन्य कांड। आगरा में एक महिला ने एक युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि युवक उसके घर में जबरदस्ती घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। जब उसने उसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और युवक की तलाश शुरू कर दी है। आज के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।